हेलो दोस्तों, व्हाट्स ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में आपने थंबनेल में देख लिया होगा हम किसकी बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं HDFC के रिजल्ट से रिलेटेड। HDFC के Q4 के रिजल्ट मतलब Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं। हम देखेंगे कि HDFC बैंक ने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, कितने उसके NPAs है, ओके क्या उसने प्रोविजनिंग किया है, तो उस सब चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट हम वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और भी लोगों के इसके साथ कनेक्ट कराइए, ताकि हम सब आज एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे बढ़ सके। एज वेल एज नीचे अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कल के दिन में वीडियोज यहाँ पर अपलोड की गई थी माइंडट्री की Q4 के रिजल्ट से, तो उसे हमने यहाँ पर दिखाया था। 174% का डिविडेंड दिया था, अच्छे रिजल्ट भी थे, तो जाके जरूर देख लीजिएगा। एज वेल एज बात की जाए रूट मोबाइल में हैकिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, ओके तो हमें एग्जिट करना चाहिए या एंट्री करनी चाहिए, क्या करना चाहिए इनके लिए, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर हमने वीडियो बनाई थी, तो इस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे, अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन होगा, कोई भी आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज वेल एज यहाँ पर एक और लिंक है, श्री राम जी का जन्म मंदिर बन रहा है, आपको पता ही है, इस लिंक पर क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पर आपको ले जाएगा और अपनी इच्छा अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर डोनेट करने की कोशिश करें, ताकि एक मंदिर बन सके। और बात बताना चाहता हूँ कि दान देने से हमेशा पैसा हमेशा बढ़ता है। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं, तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले HDFC, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC के रिजल्ट आपके सामने है, ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंड अलोन यहाँ पर रिजल्ट की बातें कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्वार्टर के रिजल्ट है, ये है Q4 के रिजल्ट, बस लास्ट ईयर की अगर बात करें, ये Q3 का रिजल्ट है इसी क्वार्टर के, और बात करें इसी क्वार्टर के अभी लेटेस्ट रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं Q4 के, यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 के, तो ये इस क्वार्टर के रिजल्ट है। तो यहाँ पर हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा इन रिजल्ट्स को। तो सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट अर्न, तो मतलब बैंक का काम क्या होता है, बैंक आप सभी को लोन देती है, लोन देने के बाद आप जो उसे पे करते हैं एज ए इंटरेस्ट, ओके इंटरेस्ट दे के प्रिंसिपल के साथ, तो उसमें जो उस इंटरेस्ट मिलता है तो वही का एग्जैक्टली बिजनेस होता है, उसी से वो अपनी अर्निंग करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इंटरेस्ट अर्न A+B+C+D, यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCD, यहाँ पर दे रखी है अदर इनकम, अगर यहाँ पर दे रखा है कि पैसे कहाँ रेवेन्यू कहाँ से आया इनका, यहाँ पर आप देखें तो रिजर्व बैंक में जो इनके रहते हैं उसमें जो प्रॉफिट होता है वो, यहाँ पर अगर बात करें इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने कर रखा है वो उससे जो आपको प्रॉफिट होता है, एज वेल एज बात करें यहाँ पर इंटरेस्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर बैंक ने जो पैसे दे रखे और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उसका रेवेन्यू। तो अगर इंटरेस्ट टोटल अर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट ईयर में जो Q4 का रिजल्ट था लगभग 29,88,506, ये लैक्स इन रुपीज का रिजल्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लैक इन रुपीज, तो लैक इन रुपीज की बातें कर रहे थे, आपने आप ऐड कर लीजिएगा, बट हम सीधे यहाँ पर लाते हैं 29,88,506 का यहाँ पर लास्ट ईयर का इंटरेस्ट अर्न था। अगर बात करें रेवेन्यू का, अगर यहाँ पर इस लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 30 लाख, ओके 30,07,970 के लगभग यहाँ पर लास्ट क्वार्टर था, और अभी की बात करें तो 30,42,359, ओके यहाँ पर अभी इंटरेस्ट अर्न हुआ है। तो अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस पे, तो क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पर जंप है जो कि काफी अच्छी बात है, और ईयरली बेसिस पे भी हम बात करें तो ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पर अच्छी काफी जंप है। और अगर टोटल इनकम की बात करें, अदर इनकम और मिला के इनकी मेन इनकम जो होती है वो हमेशा यही होती है, बट इसको अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट ईयर के क्वार्टर में यहाँ पर आप देख सकते हैं 35,91,767 लाख रुपीज में अदर इनकम थी, और अगर बात करें लास्ट क्वार्टर की इसी के, तो यहाँ 37,52,292 यहाँ पर लैक रुपीज का यहाँ पर टोटल इनकम थी, और अभी की बात करें तो 38,01,750, ओके ये लैक्स इन रुपीज में यहाँ पर रेल्स है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे आप ये तो भी जंप है, ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो भी जंप है, मींस बैंक इज मेकिंग बिजनेस, ओके बैंक इज डूइंग बिजनेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एज वेल एज बात करें यहाँ पर और भी चीज होगी, तो यहाँ पर देखिए टैक्स से पहले का एक बार एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं, तो ये एक्सक्लूडिंग प्रोविजन है, मतलब प्रोविजन इसमें नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, लास्ट ईयर के क्वार्टर में Q4 में यहाँ पर लगभग अगर बात करें 22,95,881 करोड़ लाख रुपीज में यहाँ पर खर्च हुए थे। इसके अलावा इस क्वार्टर लास्ट की बात करें
इस साल के, तो 22,33,690 और अभी की बात करें तो 22,48,423 तक यहाँ पर लैक इन रुपीज में यहाँ पर एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस हुए हैं। अगर बात करें ये जो रिजल्ट है ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है जो कि अच्छी बात है, और अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर बढ़ता हुआ एक्सपेंस नजर आया है। इसके अलावा प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोविजन, तो प्रोविजन यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट जो ईयर के क्यूटरी में 3,78,449 का यहाँ पर प्रोविजन किया गया था लैक इन रुपीज का। अगर बात करें यहाँ पर लास्ट क्वार्टर की 3,41,413 ओके यहाँ पर प्रोविजन किया गया था लास्ट क्वार्टर में क्यूटरी में, और अगर इस बार की बात करें 4,69,370 ओके यहाँ पर अगर प्रोविजन की बात करें इस बार प्रोविजन ज्यादा किया गया है। क्यों किया गया है तो आपको पता ही था अभी तक 6 महीने 7 महीने से मॉरेटोरियम था, कोर्ट ने भी एक्सटेंड कर दिया था कि अभी तक आपको एनपीए घोषित करना नहीं है ओके, जिस वजह से उन्होंने प्रोविजन कम किया था। और अगर बात करें इस बार की तो प्रोविजन ज्यादा कर दिया है जैसे ही कोर्ट के रिजल्ट आया है कि अब आप दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर पेज भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर प्रोविजन भी उन्होंने ज्यादा कर रखी है कि, और प्रोविजन ऑलरेडी ज्यादा करने का मतलब अच्छा ही होता है कि कंपनी अपने आप को सेफ करके चलती है, बैंक अपने आप को सेफ करके चलता है। अगर बात करें एक्सेप्शन की तो यहाँ पर एक्सेप्शन आइटम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक्सेप्शन खर्च नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में जो लास्ट ईयर में जो कुल फोर में रिजल्ट में जो प्रॉफिट था लगभग 9,71,473 का था। अगर लास्ट क्वार्टर थ्री की बात करें तो 11,73,189 के लगभग यहाँ पर प्रॉफिट था, और अगर बात करें यहाँ पर इस क्वार्टर की तो 10,83,907 तो देखिए घटता हुआ नजर आ रहा है, बट ईयरली बेसिस में आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि सिंपल सा मतलब है यहाँ प्रोविजनिंग यहाँ पर ज्यादा कर रखी है, इस वजह से इस वाले क्वार्टर में आपको थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट नजर आएगी, बट डरने की कोई जरूरत नहीं है, काफी अच्छे यहाँ पर रिजल्ट कंपनी पेश करे। अगर एनपीएटी की बात करें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं आफ्टर टैक्स की, तो लास्ट क्वार्टर Q4 की बात करें तो लगभग 6,92,779 के लगभग यहाँ पर प्रॉफिट था। लास्ट क्वार्टर की बात करें Q3 की तो 8,75,829 रुपीज का यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आया था, और इस बार की बात करें तो 8,18,651 रुपीज का यहाँ प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है। तो देखिए क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट जरूर है, क्यों है गिरावट ऑलरेडी बता दिया, प्रोविजनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ इन्होंने प्रोविजनिंग ज्यादा करी है इस वजह से, बट ईयरली बेस पे अगर हम बात करते हैं तो ईयरली बेस पे अच्छा खासा यहाँ पर जंप दिखाया गया है जो कि काफी बेहतरीन बात है। तो इनके रिजल्ट अगर बात करें तो रिजल्ट काफी अच्छे हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन दिखाने अब यहाँ पर प्रोविजन दिखाया नहीं रहा, अगर यहाँ पर भी प्रोविजन दिखा देते तो यहाँ पर अगर एनपीए मतलब मॉरेटोरियम से रिलेटेड कोर्ट ने अभी तक स्टे ना लगाया होता या आप नहीं दिखा आप दिखा सकते हैं तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई देती, बट ठीक है अभी दिखाया है तो अभी इन्होंने प्रोविजन भी ज्यादा करी है, एज वेल एज बात करें प्रॉफिट भी अच्छा खासा इन्हें होता हुआ नजर आ रहा है, एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं एनपीए की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए मतलब ग्रॉस यहाँ पर अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें सॉरी लास्ट ईयर के क्वार्टर Q4 की बात करें तो 1.26% की एनपीए थे, जो कि इस बार लगभग 0.81% लास्ट क्वार्टर में Q3 में 0.81% के यहाँ पर ग्रॉस एनपीए थे, मतलब घटते हुए दिखाई दिए थे बिकॉज यहाँ पर सब चीजें मतलब मॉरल से रिलेटेड था इस वजह से। और अगर बात करें अभी तो यहाँ पर मोरेटोरियम खत्म हो गया है पीरियड ओके उन्होंने, और ज्यादा एनपीएस होने की यहाँ पर चांसेस ऑलरेडी थे, हमें पता ही था कि एनपीए यहाँ पर और ज्यादा दिखाई देंगे क्योंकि तो लोगों ने अपनी जॉब छूट गई है, बट वंस पीपल आर लाइक सारी की सारी हमारी इकोनॉमी है अच्छी खासी होती जाएगी, पीपल विल गेट जॉब ओके दे विल अर्न मनी, तो अब वो ये पैसा पे करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर जो एनपीए है वो घटता हुआ नजर आएगा, तो दोबारा यहाँ पर बाद में धीरे धीरे घट सकता है 1-2 साल के अंदर अंदर। अगर बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस पे थोड़ी बहुत जंप दिखाई गई है और यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस भी जंप है, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी डरने की आपको बात नहीं है ओके, रिजल्ट इज फाइन कम्प्लीटली जस्टिफाइड रिजल्ट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा खासा यहाँ पर जंप है प्रॉफिट में ओके। और अगर ईपीएफ की भी बात करें तो लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट ईयर में Q4 में लगभग 12.60 का यहाँ पर ईपीएफ था, लास्ट क्वार्टर की बात करें तो
₹15.90 को और अभी की बात करें तो लगभग ₹14.90 का लगा, ₹1 कम है यहाँ पर नजर आ रहा है। बाकी ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट है, तो आप देख सकते हैं ईयरली बेसिस में अच्छा प्रॉफिट। Q3 से Q4 में थोड़ा सा गिरावट है जस्ट बिकॉज यहाँ पर मोरेटोरियम से रिलेटेड सब चीज खत्म हो गया है, इनकी शो किया है एज वेल एज प्रोविजनिंग इन्होंने ज्यादा करी है, जिस वजह से यहाँ पर आप यहाँ पर रिजल्ट में थोड़ी बहुत इस बार गिरावट कही है, बट एवरीथिंग इज फाइन। एज वेल एज सेगमेंट वाइज भी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इसी वेबसाइट पर जा सकते हो और यहाँ पर सेगमेंट वाइज की रिटेल बैंकिंग में कितना इन्होंने रिवेन्यू किया, ट्रेजरी में, होलसेल बैंकिंग में, अदर बैंकिंग, तो यहाँ पर आपको सेगमेंट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट HDFC बैंक के सबसे अच्छे हैं। अब बात कर लेते कुछ और पॉइंट्स की, तो यहाँ पर एक महीने से देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी है, बस 1641 रुपए तक ये शेयर गया था, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूसली गिरावट आई और लगभग लास्ट एक वीक की अगर बात करें स्टार्टिंग में तो 1367 रुपए पर ये शेयर आया था, उसके बाद अच्छी खासी जंप ऑलरेडी लगा चुका है, 4-5% के रिटर्न दे दिए, बट स्टिल कंपनी ये अभी भी काफी नीचे है। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से दिस बैंक इज लाइक आप यू कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टर्म और नंबर वन बैंक है इंडिया का प्राइवेट सेक्टर में और अच्छा बैंक है, तो इसे अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखिए। अगर बात करें अभी फ्राइडे को यहाँ पर कितनी डिलीवरी दिखाई गई, लगभग 50% 38,47,600 शेयर यहाँ पर उठाए गए हैं और यहाँ पर बाकी चीजें आप देख सकते हैं। कंपनीज अच्छी खासी यहाँ पर डिविडेंड भी लास्ट टाइम 2019 में दिया था, इसके बाद स्प्लिट वैल्यू स्प्लिट भी दिया था 2019 में, 2020 में क्यों नहीं दिया जस्ट बिकॉज बैंकिंग में काफी लगभग कोरोना आ गया था, तो RBI ने मना किया था कि आप किसी तरीके का डिविडेंड ना दे, अपने पैसे अपने पास रखे, सेव करके रखें। एज वेल एज बात कर सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 26% के आसपास है, FIIs लगभग 40% है, DIIs 20.99 है, रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं और पब्लिक की बात करें 13% की सजा दी और सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी आप देख सकते हैं, प्रमोटर्स के पास सेम 25.97 है, बाकी 74% FIIs DIIs और पब्लिक होल्ड करती है। ओके, तो कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे हैं, अच्छी तरह से आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा खासा रिटर्न देगी। एज वेल एज हम कुछ और बात कर ले टेक्निकल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार्ट पैटर्न ये अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट होती हुई यहाँ पर नजर आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी की अगर बात करें कि कितने रिटर्न ये दे सकती है, तो जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी ये शेयर चल रहा है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर से अभी भी आपको अच्छे खासे यहाँ पर लगभग 13-14% के रिटर्न आपको 1-2 महीने में मिल सकते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म में, तो इसे इस बैंक को होल्ड करके रखिए, अच्छा खासा बैंक है एज वेल एज अच्छे खासे यहाँ पर इन्होंने रिजल्ट भी पेश करिए, तो अच्छे खासे रिजल्ट है वाई ऑन वाई बेसिस पे, यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी यहाँ पर रिजल्ट में रिवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट में जंप है, इसे अपन होल्ड रख करके रखिए। बाकी कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, जस्ट बिकॉज जो भी दिख रहा था मुझे मैंने आपको दिखा दिया है, 14% के यहाँ पर अपसाइड्स है जो कि आप अच्छा खासा गेन मिल सकते हैं। बाकी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए, कुछ की स्टडी करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार जो आप हम सबका चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और दूसरी वीडियोज को भी जाके देखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्लेस।